अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है हमारे तमाम दोस्त वो खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो रिश्ता मैं आपको आज अभी जो है बताने जा रहा हूँ, ये जो खातून है जिनका रिश्ता है, इनका जो नाम है, इनका नाम है अफसाना बीबी। तो अफसाना जो है हमारी बहन, इनकी उम्र जो है वो है 40 बरस, 40 ईयर्स। और इसके अलावा जो है ये एक तलाक़ याफ्ता खातून हैं और 2 बच्चे हैं इनके। तो 2 बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। तो जो है बेटी जो है वो इनके जो है शौहर के पास रहती है और बेटा इनके पास ही रहता है। तो अफसाना जो है इनकी तालीम जो है ये अंडर मैट्रिक है, यानी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मिडिल पास हैं और अच्छे घराने से हैं, मुसलमान घराने से हैं, काफ़ी जो है रिच फैमिली से हैं। इसके अलावा ये जो अफसाना बीबी है, इनकी हाइट जो है वो 4 फुट 10 इंच है, 4 फुट 10 इंच। तो इस वक्त जो है ये अफसाना बीबी लाहौर सिटी में रहती हैं, अपने जो इनके भाई हैं मोहम्मद मुश्ताक साहब, उनके जो है साथ इनके घर पे रहती हैं, क्योंकि वालदैन का जो है वो इंतकाल हो गया है। तो इसलिए जो हैं भाई जो हैं इनके मोहम्मद मुश्ताक, वही इनके सरपरस्त हैं, उन्हीं के साथ ये रहती हैं उनके घर में, उनके बीवी बच्चों के साथ। 3 बहन भाई थे, ये तीनों शादीशुदा हैं। तो इनके जो भाई हैं वो चाहते हैं कि अपनी बहन की वो दोबारा से शादी कर दें। तो इसी सिलसिले में उनको जो है किसी ऐसे रिश्ते की ज़रूरत है कि लड़का जो हो उसकी उम्र 50 साल तक हो, पहली दूसरी या तीसरी शादी करना चाहता हो, मुसलमान हो, फिरका जो है सुन्नी हो, इसके अलावा ज़ात बरादरी कोई भी हो, पाकिस्तान का शहरी हो, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे ये जो फैमिली है अफसाना बीबी जो है, इनकी जो कास्ट है ये आरई फैमिली है ये। तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हैं इनसे रिश्ते के अबाउट बात करना, शादी करना, तो वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर और जो है इसके अलावा अपनी तमाम तर तफसीलात और अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम बहुत जल्द उनसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए और हमारा साथ यूं ही बना रहे। शुक्रिया।